सो कैसे दोस्तों, आई होप सब बढ़िया हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने फोन में यहाँ पे जो सुपर फोल्डर को इनेबल करते हो, अगर आप लोग उसको यहाँ पे ओपन करते हो तो देखो यहाँ पे इस तरीके का एक बैकग्राउंड देखने को मिलता है। तो इस बैकग्राउंड को आप लोग कैसे इनेबल कर सकते हो अपने फोन में, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है रेडमी, MI या पोको में कैसे इनेबल कर सकते हो बिना किसी APK के, बिना किसी रूट फाइल के। काफी ज्यादा सिंपल तरीके से आप लोग इसको यहाँ पे इनेबल कर पाओगे, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड नॉर्मली अगर आप लोग इस पर टैप करते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड नहीं देखने को मिलता। साइड में मैं आप लोगों को दिखाता हूं जिसमें कि यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है। एंड यहाँ पे साइड में देख सकते हो जिसमें कि मैंने बैकग्राउंड इनेबल कर रखा है। तो देखो कौन सा आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जो कि आप लोग देखोगे बैकग्राउंड वाला आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड कुछ तरीके से आपको प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग इसमें ब्लर भी इनेबल कर सकते हो, वो थोड़ा अलग है। उसके लिए आपको सेट एडिट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है एंड डिवाइस चेंज, यहाँ पे जो डिवाइस लिस्ट लेवल होता है उसको चेंज करके 2:2 को यहाँ पे 3:3 करना होता है, बस जाके आप लोगों का ब्लर इनेबल हो जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम जो है इसको यहाँ पे देखो ये जो बैकग्राउंड है इसको इनेबल करेंगे एंड आप लोग अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे यूज भी कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने सारे फोल्डर में अपने में इनेबल कर रखा है एंड आप लोग भी इसको यहाँ पे इनेबल कर पाओगे, चाहे आपके पास कोई सा भी फोन हो, बस आपके फोन में सुपर फोल्डर इनेबल होने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप लोगों को कुछ इस तरीके से प्रीव्यू देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये विदाउट बैकग्राउंड है एंड ये थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि पता नहीं लगता कि यहाँ पे क्या यूज हम यूज करें। जब यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लर भी नहीं है तो और भी ज्यादा बुरा सा लगता है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को सारे फोल्डर में खोल के दिखाता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो फोल्डर तो ओपन होता है लेकिन इतना अच्छा नहीं देखने को मिलता। तो आप लोग इसको यहाँ पे कैसे इनेबल कर पाओगे अभी बताता हूँ। एंड यहाँ पे देखो सारे फोल्डर आप लोगों को कैसे भी देखने को मिलेंगे, बस आपके फोन में यहाँ पे चीज वर्क करेगी। तो क्या करना होगा, तो मोस्टली देखो ज्यादातर ट्रिक्स यहाँ पे इंटरेस्टिंग ही होती है। अब यहाँ पे देखो क्या करना होगा, आपको जाना है अपने थीम स्टोर पे एंड थीम स्टोर ओपन करना है। थीम स्टोर ओपन करने के बाद आपको एक थीम डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि थीम स्टोर पे अवेलेबल है, तो जाकर उसको डाउनलोड करना, जिसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है येन 10 12। आप लोग इस थीम को यहाँ पे डाउनलोड करना। अब ये थीम जो है आपको ब्लैक स्क्रीन के यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा कुछ इस तरीके से एंड दो ही प्रीव्यू देखने को मिल जाते हैं। तो इस थीम को आपको डाउनलोड करना है, थीम शॉप पे अवेलेबल है तो जाके डाउनलोड करना। अब डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे देखने को मिलता है कस्टमाइज का बटन, चाहे तो थीम को प्रॉपर अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप लोग कस्टमाइज के बटन पर आ जाने के बाद होम स्क्रीन को सिलेक्ट करना एंड अप्लाई कर देना अपने फोन में। जैसे आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे आपके फोन में अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाएगा एंड आओगे अपनी होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको आईफोन वाला क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे देखोगे ये वर्किंग आ जाएगा। अब देखो इसका वॉलपेपर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख सके। अगर आपको इस वॉलपेपर का लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नहीं तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी अपलोड कर रखा है, वहां से आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। इंटरेस्टिंग वॉलपेपर है एंड यहाँ पे Xiaomi बोल सकते हो रेडमी नोट 13 सीरीज का वॉलपेपर है जो कि चाइना में लॉन्च हुई थी, जो आपको इस तरीके से प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको जो फोल्डर है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। मैं टैप करता हूँ, बैकग्राउंड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है एंड ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। आपको यहाँ पे जो है भाई ये डॉग बार भी देखने को मिल जाएगा। पोको के फोन में डॉग बार इनेबल नहीं होगा, उनका अलग सीन है। तो आप लोग इस तरीके से MIUI के फोन में ये चीज यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो ये ऐसा नहीं है कि पोको के फोन में जो फोल्डर का बैकग्राउंड ये चीज इनेबल नहीं होगी, ये सारे फोन में इनेबल होगी। बस आपका जो डॉग बार है ये सैमसंग डिवाइस में यहाँ पे वर्क नहीं करता पोको के में, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे देखते हो इजिली आप लोग इसको यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे कुछ तरीके से प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप इस फोल्डर का यहाँ पे नाम चेंज करके इसको यहाँ पे स्पेस देके इस तरीके से इनेबल कर सकते हो, जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाएगा इसको यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद। अब देखो फोल्डर का कोई नाम नहीं है एंड इस तरीके से आपको और भी अच्छा प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग चाहो तो इन सबको यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो ये छोटी मोटी कस्टमाइजेशन फोन को काफी ज्यादा अच्छा लुक देती है एंड आपको इस तरीके से इनेबल कर सकते हो इसको। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जैसे यार वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसके लिए जय हिंद जय भारत।